फैंस का प्यार सिडनास के लिए कभी कम नहीं हो सकता। जी हाँ, और ये बात एक और बार साबित हो गई है। कैसे, ये आपको बताते हैं। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूँ ज्योति नाहक। सिद्धार्थ शुक्ला, शहनाज गिल, ये दो नाम ऐसे हैं जो सिडनास बनकर एक इमोशन बन चुके हैं लोगों के दिल में। अब जब बिग बॉस के बाद इनका गाना आया भुला दूंगा, आते ही इस गाने ने तबाही मचा दी इंटरनेट पर, और हर कोई सिर्फ और सिर्फ सिडनास की सिजलिंग केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहा था। लेकिन अब ये गाना जो है इतने टाइम बाद वापस ट्रेंड कर रहा है। जी हाँ, क्यों ट्रेंड कर रहा है? वेल, सिडनास की भुला दूंगा ट्रैक ने क्रॉस कर लिए हैं 100 मिलियन का मार्क। जी हाँ, वेल मैं बता दूं, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में और हमारे यहाँ इंडिया में बहुत कम गाने ऐसे हैं जिन्होंने 100 मिलियन का बेंचमार्क क्रॉस किया है, और सिडनास का ये गाना भुला दूंगा उनमें से एक है, और इसीलिए ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है हैशटैग भुला दूंगा हैशटैग सिडनास। सो कहीं ना कहीं सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल के लिए जो दीवानगी है लोगों की, वो अब तक भी साफ साफ झलक रही है, और फैंस चाहते हैं कि ये दोनों एक साथ एक किसी शो में नजर आएं, और लॉकडाउन के बाद ऐसा हमें देखने को मिले, फैंस को देखने को मिले। सो डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू देम सीइंग एक साथ दोनों, ताकि नजर आ सकें किसी शो में या किसी म्यूजिक वीडियो में। बट भुला दूंगा के लिए 100 मिलियन भी कम है। आपको क्या लगता है, और भुला दूंगा को लेकर आपके क्या थॉट प्रोसेस है, ये आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ।